बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मतलब जनाब इकबाल खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब शुमारी, सरदार अमजद अली खान साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला अटक, दीगर कायदीन जमात इस्लामी, मेरी काबिल कदर माँ और बहनों और नौजवानों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पुरवकार मौका पे मैं जमात इस्लामी जिला अटक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कश्मीरी माओ बहनों भाइयों और बुजुर्गों के साथ इजहार यकजहती करने के दिन बनाया, जो काजी हुसैन अहमद साहब ने जिस तहरीक का आगाज किया था और उस वक्त की हुकूमत को भी इससे मजबूर किया था, और उस दिन से लेकर आज तक हमारी हुकूमत भी इस दिन को मनाती है और काफी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, कश्मीर तकरीबन 6 माह से ढाई वर्षा गुजर चुका है। वहाँ की हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग वहाँ पर पाबंद सलासल है, वो घरों के अंदर नजरबंद है, और यहाँ पे हमारी हुकूमत वो भीख मांगने के मांगती हमें नजर आती है और कुर्बानी जमा तफरी करते हुए नजर आती है। मैं प्यारबाजी से कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता, ये 70 साल का एक इशू है, और जो भी हमारा हुक्मरान इस मुल्क में आया वो मैं मजाफी बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये कश्मीर सिर्फ जात के जरिए इसका मसला हल किया जा सकता है, और जेएनयू के नौजवान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कायदे मोहतरम सराज हक साहब कब इस बात की इजाजत देंगे, और हम पाक फौज के निशाना निशाना माले जंग पे जाएंगे और ये मुल्क आजाद करेंगे। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ जितने नौजवान मौजूद है जेएनयू के, अगर सराज साहब कायदे मोहतरम में हमें ये हुक्म दे कि कल हमें श्रीनगर तक जाके झाक करना है, आप क्या हैं या नहीं क्या है। इंशाअल्लाह ये आज मुझे अपने अस्पताल की तरफ जा रहा है, हमारे जिले और सूबाई जिम्मेदार इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होंगे। उससे पहले जरा आपके लोग को ताजा करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रथम हमीद हैदर आवान साहब, वो अपना कलाम आपके सामने पेश करेंगे उम्मत ए मुस्तफा के हवाले से। जनाब हमीद हैदर आवान साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा की ज़बरदस्ती के हवाले से मेरी एक नात है, मैं आपकी हिम्मत में उसकी तरह चार रखना चाहूँगा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अर्ज किया है, मेरा तहय्युद तो कह रहा है कि आपका तुझको सलाम लिखूं, मेरा तहय्युद तो कह रहा है कि आपका तुझको सलाम लिखूं, मगर जो मुझ पे गुजर रहा है वो हाल कैसे तमाम लिखूं। कहीं मेरा खून बह रहा है, कहीं पे गोरे बरस रहे हैं, कहीं पे जुल्मो सितम के मारे कफन को लाशें तरस रहे हैं। कहीं मेरा खून बह रहा है, कहीं पे गोरे बरस रहे हैं, कहीं पे जुल्मो सितम के मारे कफन को लाशें तरस रहे हैं। पुकारती हैं जो माए बहने, मैं हक में किस बात पे आने लगूं। पुकारती हैं जो माए बहने, मैं हक में किस का प्याम लिखूं। मेरा तहय्युद तो कह रहा है कि आपका तुझको सलाम लिखूं। ऐ तेरी उम्मत का हाल ऐसा, अदू ने सब कुछ जला दिया है, ऐ बरबरी ने ये इंतहा की निशान उनका मिटा दिया है। ऐ तेरी उम्मत का हाल ऐसा, अदू ने सब कुछ जला दिया है, ऐ बरबरी ने ये इंतहा की निशान उनका मिटा दिया है। किताबे हिजरत का सारा आपका बदल गया है निजाम लिखूं, मेरा तहय्युद तो कह रहा है कि आकर उसको सलाम लिखूं। मैं लिख रहा हूं तमाम किस्सा,
قلم کی چیزیں نکل رہی ہیں، میں نالہ دل کو روکتا ہوں تو رب پہ آہیں نچل رہی ہیں، میں لکھ رہا ہوں تمام قصہ قلم کی چیزیں نکل رہی ہیں، میں نالہ دل کو روکتا ہوں تو رب پہ آہیں نچل رہی ہیں، میں سوچتا ہوں امید ہے در، میں سوچتا ہوں امید ہے در کہ کیسے اپنا کلام لکھوں، میرا تحیل تو کہہ رہا ہے کہ آقا تجھ کو سلام لکھوں، مگر جو مجھ پہ گزر رہا ہے وہ حال کیسے تمام لکھوں، والسلام.